हेलो एंड वेलकम टू विंग्स आई इन कोलैबोरेशन विद आई ए टुडे वी हैव विद अस इन आवर स्टूडियो अभिन रैना हुए कोर्ट रैंक 81 इन द रिसेंटली कंडक्टेड जे के एस ट्वेंटी आज इनसे जानेंगे इनकी इनकी स्टोरी इनकी जर्नी कि हाउ हैज ही क्वालिफाइड द एग्जाम वट हज हैज ही फेस्ड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्स्ट्रैक्ट आउट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की हर एक इंसान ने कुछ यूनिक किया होता है

और मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग में है ए पी एस मीरन साइड में हुई थी फिर उसके बाद ए पी एस कलूचक में हुई क्लास फोर टू क्लास टेंथ देन आई वेंट टू ओरिएंटल अकेडमी और फिर उसके बाद मैंने अपनी बी टेक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से की वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की और मैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पास आउट हुआ था और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करा दैट कर दिस इज योर फर्स्ट यस सर दिस वॉज माइट एवर

गुरु so, uh, uh, मंत्र या फिर मैं कि सर you uh, ऐसे कोई पर्टिकुलरली सीक्रेट नहीं है बट बड़े सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि uh, मेरे पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट थी मुझे मैं कभी बाहर नहीं गया डेली वेली कोचिंग लेने और घर पे ही मैंने पढ़ाई की उसके बाद सर मैंने uh, जब मेरा का प्रीलियम्स निकला तो मैंने एसआर कॉलेज ज्वाइन किया था तो वहाँ पर वहाँ के टीचर्स वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा था और साथ में वहाँ पे हमारे सीनियर्स थे सुचित भैया उन्होंने काफ़ी गाइड किया हुआ है तो उन्हीं की वहाँ पे उन्होंने आंसर राइटिंग वाइक वगैरह बताया हुआ है और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे काफ़ी तो वो सारे फैक्टर्स मॉक टेस्ट लगाना और इवेंचुअली अगर इन इंटरव्यू सेक्शन में आ जाए तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो आ, मेरी अपनी बहन ने भी मेरे घर पर रहकर इंटरव्यू टाइम में काफ़ी इंटरव्यू लिए

टेस्ट खास कर की वो मॉक इंटरव्यू मॉक टेस्ट जो थे मेंस के लिए वो खास करके और उसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करूँ तो आ, मेरे कज़न है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में तो उन्होंने मुझे गाइड किया था इसके लिए कि कैसे डाफ प्रिपेयर करना है कैसे उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं और कैसे इंटरव्यू में अप्रोच करनी है और कुछ सेशन जो थे इंटरव्यू गाइडेंस के वो एस ने भी कंडक्ट किए थे जो टॉपर्स थे तो वो सारी चीज़ें थी जो साथ में काम आई ओके okay तो यानी मिनटर का काफी सपोर्ट रहा आपको और काफी रोल रहा आपके पहले टाइम में सिलेक्शन होने में अक्सर होता पता है क्या है कि पहली बार में अगर आप सिलेक्ट होते हो ना तो यू डिड मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट और अगर आप पहली बार गलती करते हो फिर आप आइडेंटिफाई करते हो गलती तो, 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 तो पता चलता गलती है क्या अगर आप पहली बार में ही सही सब मोस्ट ऑफ द चीजें सही कर दो और आप सेलेक्ट हो जाओ तो कभी कबार रियलाइज भी नहीं होता कि गलतियां थी क्या सो इट इज मतलब इट इज डिफिकल्ट फ्रॉम यू टू नो कि गलती थी क्या क्योंकि आपने कमिट नहीं की कोई

Uh, जब मॉक की बात करें प्रीलिम्स को शायद इम्प्रूव करना आसान है लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बाद एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ती है क्वालिटी ऑफ ऑफ आंसर 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 एंड स्ट्रक्चर राइटिंग सर मेरा वहाँ पे स्कोर होता था एवरेज स्कोर आता था, था तो मेरा उसको स्टार्टिंग से ठीक था बेसिकली जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किए थे तब तक मैंने काफ़ी आंसर एक इन फॉर्मल वे में अकेले घर बैठ के या लिख लिए थे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा उनसे इन पर्सन चेक भी करा लिए थे तो उस वजह से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा काफ़ी ठीक हो गया था वो और साथ भी साथ जैसे मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए तो और और इम्प्रूव होता रहा एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात रही तो इवेंचुअली मैं मेरे को लिखना पसंद था और मैं मतलब कि लिखना मेरे को ऐसे भी पसंद है तो मैं नॉर्मली मेरी जो राइटिंग पार्ट था वो चाहे वैसे हो ठीक था मेरा तो बस उसको ब्रश अप करना था उसको इम्प्रूव करना था उसमें स्किल और ऐड करना थे तो वो सारी चीजें गाइडेंस और मॉक टेस्ट ने कर लेकिन एक चीज़ है मतलब मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और मेरे जितने भी फ्रेंड्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे आई वी वी ऑल फेस द सेम इशू वो मोटिवेशन लेवल लाना कि इतने लंबे लंबे आंसर लिखना अकेले में मतलब कई लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी की तो प्रीलिम सिलेक्शन होने के बाद की और वो इंसान को आप पढ़वा लो एस्परेंट को बारह घंटे पढ़ लेगा वो उसको बोलो कि एक दो घंटा आंसर राइटिंग में दे वो नहीं देगा मोस्ट ऑफ दी मतलब स्टूडेंट्स आई हैव मेट मोस्ट ऑफ द पीपल वीपेयर्ड विद मी सबके साथ ये प्रॉब्लम थी पढ़ा सब कुल हुआ पढ़ लेंगे आंसर राइटिंग नहीं कर पाते थे आपने क्लियरली आंसर राइटिंग बहुत की तो हाउ डिड यू आई मीन और कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग इंप्रूव होने में ज़रा टाइम लगा नहीं अगर आप हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी स्कोर करें तो वर वेरी गुड स्कोर्स फॉर अ पर्सन बीन अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो ये ऑलरेडी आप कॉलेज टाइम से ही कोई हॉबी थी आपकी लिखने की जिसने आपको हेल्प किया या एक्चुअली आपने इम्प्रूव किया आफ्टर कमिंग टू प्रिपरेशन प्रशन आने के बाद डेफिनेटली इंप्रूव हुआ हो होगा पर कॉलेज टाइम से मैं ऐसे ही मतलब uh, लिखता रहता था पर मोर ओवर कभी कभी जैसे कि मैं अपने क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था तो कभी कभी हमें डीन को लेटर लिखने पड़ते थे या कभी हमारे क्लास टीचर्स को लिखने पड़ते थे और ऊपर से आ, कुछ इंटर्नशिप्स में हमने बड़ी रिपोर्ट्स भी बना रखी थी तो ये सारी चीज़ें फैक्टर थे पर नेचुरली मेरा ठीक था हमेशा से मतलब राइटिंग पार्ट हमेशा से ठीक था एंड मोर ओवर एक्चुअली मेरे साथ उल्टा केस था आ, इतना मैंने पढ़ा नहीं होगा जितनी मैंने आंसर राइटिंग लिखी है एक्चुअली में मुझे ज़्यादा मोटिवेशन आंसर राइटिंग में मिलती थी कि आंसर राइटिंग लिख लूं, फिर उसके बाद अपने स्कोर चेक कि कितना स्कोर आ रहा है मेरा फिर वापस से वो वो टॉपिक फिर वापस आंसर राइटिंग एक्चुअली मेरे लिए मोटिवेशन वाला फैक्टर ये था कि आंसर राइटिंग बेटर हो और उसमें स्कोर बेटर हो राधा देन कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूँ फिर ये उतना नहीं था दिस इज समय देगा To पढ़ने के पढ़ना एक कॉमन है एक एक वक वक्त तक तो सबको बराबर चीजें पढ़नी है से पढ़ता ही लिखता नहीं। तो आपको खुद मजा आता था राइटिंग प्रैक्टिस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं और आपने जैसा कहा कि स्टार्टिंग से अच्छी भी थी आपकी राइटिंग स्किल्स तो जब अच्छे होते हैं तो खुद को फील गुड होता है जब लिखता है इंसान सो दिसलाइट फ्रॉम दिस इंटरव्यू एवरी वन इज प्रिपेयरिंग ऑलरेडी जो आपको आई बनाने से या के बनने से रोक सकता है लेकिन आपको बना नहीं सकता बनाएगा आपको मेन्स ही मेन्स में आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको इंटरव्यू में कम भी मिले तब भी आप लिस्ट में आ ही जाओगे Definitely. तो राइटिंग अ गुड आंसर इन नाइन मिनट्स विद प्रॉपर स्ट्रक्चर इट इट रिक्वायर्स अ लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस सो जैसा कि अभिन रैना जी ने बोला आई एग्री विद इट कि एक टाइम आएगा जब आपको काफ़ी टाइम राइटिंग में देना चाहिए और उससे रिविजन करनी चाहिए राधर देन की आप नाइनटी परसेंट टाइम पढ़ रहे हो और टेन परसेंट टाइम लिख रहे हो एम आई राइट यस इस एग्ज़ाम प्रोसेस की बात की जाए एक डेढ़ दो साल तो लेता ही है पहले सिलेक्शन में ही आपको एक साल पढ़ना है और एक साल फिर एग्ज़ाम प्रोसेस को लगेगा इस बार तो बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो गया प्रेलियम्स मेन्स इंटरव्यू टाइम पे हुआ जब लास्ट ईयर की बात करें दो हज़ार इक्कीस का नोटिफिकेशन तो प्रलियम्स Pre से मेन्स में एक दो महीने डिले आया मेन्स के बाद सात महीने के बाद उसका रिजल्ट आया उसके बाद कई इंटरव्यू निकले और उसी वजह से 2021 के रिजल्ट भी इसी साल निकले दो हजार के भी इसी साल निकले सो so, ये लंबा प्रोसेस है बहुत सो हाउ डिड यू रिमेन मोटिवेटेड हाउ डिड यू ओवरकम दैट आइसोलेशन और जो ये एग्जाम डिमांड करता है ना कि काफ़ी हद तक हर चीज़ छोड़नी पड़ती है और इसमें आना पड़ता है सो वट इज योर ओपिनियन डिड यू आइसोलेट यूर नहीं सर मतलब सोशल मीडिया से तो आइसोलेटेड ऑलमोस्ट पर ऐसे दोस्तों से मतलब ऑन एवरेज में बात कर ही लेता था और पेरेंट्स से भी मतलब ऑन एवरेज जैसे नॉर्मल इंटरेक्शन होती वो तो रहती थी इतना कोई मैंने आइसोलेट नहीं किया अपने आप को पर ये है कि ऐसा भी था कि किस दिन ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी तो मतलब मेरे लिए जो मतलब सही फैक्टर रहा वो ये था कि मैं जैसे मंथली गोल सेट कर लेता था वीकली या मंथली गोल सेट कर लेता था और फिर अगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन अगर लैक हो रही है तो फिर मैं क्या करता था कि एक दिन मैं पेपर अटैम्प्ट कर लेता था एक टाइम के बाद जैसे या प्रीलिम्स आ रहा है प्रीलिम्स का पेपर अटैम्प कर लिया नहीं तो मेन्स आ रहा है मेन्स का पेपर अटैम्प्ट कर लिया मतलब अपने आप को मोटिवेशन में लाने के लिए कोई ना कोई चीज़ में उठा ले सकता क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे छः सात घंटे किताब खोल के बैठ जाओगे पढ़ते रहोगे नोट्स बनाते रहोगे हमेशा होगा नहीं एक टाइम के बाद होगा कि आप पेपर उठाओ उसको सॉल्व करो फिर चेक करो कि क्या गलतियाँ हैं फिर उनसे पढ़ो मॉडर्न आंसर्स देखो ये सारी चीज़ें वैसे मैं मोटिवेट रहा ऐसे कोई मैं पूरा टाइम नहीं ताकि रोज ही आठ आठ घंटे पढ़ रहा है अच्छा एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व की है कि जिन लोगों की नॉर्मली लाइफ में कोई और क्रिएटिव या प्रोडक्टिव चीज़ ना हो साथ में जैसे कि कोई हॉबी हो कोई क्रिकेट खेलता है कोई रनिंग करता है कोई जिम जाता है कोई बास्केटबॉल खेलता है कोई फुटबॉल खेलता है नॉर्मल लाइफ में जो उनकी हॉबी होती है या फिर कोई गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग करता है जिन लोगों का को कोई साथ में पैशन या हॉबी वो साथ में नहीं रखते

क्योंकि वर्कआउट से क्या होता है कि आपकी बॉडी एकदम स्टेबल रहती है आप वो जो वहाँ पर छः आठ घंटे आपने बैठता हूँ पेपर के लिए वो वो चीज़ आपको इतना स्ट्रेन नहीं देती तो वो चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी थी और चेंज ऑफ सीनरी का ये है कि मैं अपने छोटी छोटी चीज़ें करता था कि जैसे डेस्क डेस्क की ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दी या डेस्क की जो है पोजिशन चेंज कर दी या कहीं बाहर लाइब्रेरी में कभी चले गए पढ़ने के लिए तो ये ये थी नॉर्मल चीज़ें पर हाँ मोटिवेशन फैक्टर किसी ना किसी को टूँढना पड़ता ही है कि रेगुलरली वो साथ बाय साइड बाय साइड वो भी चीज़ करते रहे क्योंकि अगर आप आठ दस घंटे एक ही चीज़ में लगे रहोगे और ना आपने फिटनेस पे ध्यान दिया ना आप रिफ़्रेश हुए तो फिर आपका ऐसे एकदम दिमाग उड़ जाएगा एक तरीके से आप ढंग से कर नहीं पाओगे कुछ एग्जॉस्ट हो जाओगे मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ में मेरे हिसाब से मैं तो वर्कआउट करता था थोड़ा बहुत तो उससे क्या होता था कि एनर्जी लेवल ठीक रहता था तो मैं दिन भर पढ़ाई करने की पूरे तरीके से रहता था तो वो मेरे लिए था मैंने ऑब्जर्व किया कि, obviously, है कि हम ऑब्वियसली हमारी पर्सनलिटीज डिफरेंट होती हैं जिस जिन बैकग्राउंड से हम आते हैं जो हमारे एजुकेशन होता है जिस सोसाइटी में हमारा अपब्रिंगिंग होती है जिस किस्म की कि हमें पेरेंटिंग मिलती है इट डिसाइड्स अ लॉट कि हमेश इमोशनली कितने स्टेबल हैं कितने मेच्योर हैं हाउ डू यू परसीव थिंग्स जहाँ पर हम एग्ज़ाम में बात करते हैं कि ये पढ़ना है वो किताब पढ़नी है ये स्टडी मटेर करना ये notes करने है ये नोट्स करना है वगैरह वगैरह एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू सी कि हमारी साइकी क्या है साइकोलॉजिकली हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर एंड एवरी पर्सन रिएक्ट्स और रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंटली इस बारे में हम बहुत कम बात करते हैं फ्राम यूर फ्राम द कन्सेन वी हैव हैड सो फार ऐसा लगता है कि यू आर यू आर वेरी सॉर्टेड पर्सन यू नो वट यू आर डूइंग यू न्यो कि भाई आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है तो आई विल डू दैट यू न्यो ओके साथ में थोड़ा फिजिकल भी रखना है अपने आप को चेंज ओरशन भी चेंज करते रहनी है बट मोस्ट पीपल डोंट

रिज़ल्ट का वेट करने के टाइम पे मुझे हम हाँ, मुझे डेफिनेटली एनजाइटी फ़ील होती है कि आ, क्या होगा कैसा रिज़ल्ट आएगा मेरे लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा ये सही सारी चीज़ें वो रहती हैं पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक आदमी को ये ये चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं कि उसने आ, की पेपर में प्रेशर फील होगा क्वेश्चन क्या सामने आ जाएगा कैसे उसको लिखेंगे पर उसके लिए आदमी एक करना चाहिए मेरे हिसाब से जो मेरे लिए काम किया खासकर मेंस की बात करूँगा क्योंकि प्रीलीम्स में तो आपको जो आता है वो तो आता ही है क्या ही गलत करोगे क्या सही करना मेंस की बात करूँगा मैं तो उसमें मैंने एज अ टोल्ड्यू कि मैंने काफ़ी मॉक अटैम्प्ट किए थे तो एक मैंने मतलब पूरे फुल तरीके से अटैम्प्ट किए थे कि दस से एक एक करूँगा फिर ढाई से साढ़े पाँच एक करूँगा तो ये मैं पूरे जाके कर इंस्टीट्यूट में देता रहता था तो उससे क्या हुआ कि मेरी एक तरीके से प्रैक्टिस होगी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मैंने क्वेश्चंस क्वेश्चन किए थे जो यूपीएससी के थे तो उससे क्या हुआ कि डिफ़िकल्टी लेवल भी वो वाला मैंने सस्टेन कर लिया जो प्रेशर वहाँ पे था वो भी सस्टेन किया जो टाइम लिमिट थी वो भी हो गई तो उससे क्या हुआ जब मैं एक्चुअल पेपर में जाके बैठा तो मुझे वो सारे प्रेशर फील नहीं हो रहे थे और तो वहाँ पे भी क्वेश्चन थे बीस में से सत्रह अठारह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएंगे पर दो तीन क्वेश्चन होते जो नहीं आते पर उसे ये नहीं हुआ कि मुझे नहीं आता मैं क्या करूँ अब तो हो नहीं पाएगा बस ये मैंने ये किया कि जितने मुझे आते हैं पहले मैं वो कर लूँ और जो बाकी बचे हैं उनको लास्ट में सोच के जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें जाके जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो सारे अटैम्प्ट करते तो उससे ये होता है कि आपका पेपर ख़राब नहीं होगा वो आपको प्रेशर नहीं आएगा और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये ये चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके पेपर को आपके इंटरव्यू को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा The the more you sweat in practice, the less you sweat practice, less उनके चार पांच महीने खराब हो जाएंगे चक्कर में यार ये क्या हो गया जिंदगी खत्म हो गई एन ऑल एंड ये क्योंकि एग्जाम को इतना सीरियसली लिया होता है कहीं ना कहीं ये चीज उनकी परफॉर्मेंस पे भी दिखती है वो इतना ज्यादा टेंशन में जाते हैं एग्जाम में कि जब एक्चुअली एग्ज़ाम के एग्ज़ाम का दिन आता है तो उस सेंस उस दिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो पाती जितना एक्चुअली वो परफॉर्म कर सकते हैं अंडर प्रेशर इतने ज़्यादा आ जाते हैं वो और उसकी वजह से अगर वो बेटर स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे अपने लाइफ में बहुत से लोग देखे मेरा एक फ्रेंड था वो यूज़ टू तो प्रोफोजली स्पेट उसके हाथों में पसीना पसीना पेपर गीला हो जाता था मतलब ना उसको पकड़ता था वो इतना टेंशन होती थी उसको इतना एग्जाइटी होती थी मुझे लगता है एक सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल मेच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ एग्जाम के दिन के लिए बल्कि थ्रू आउट ईयर के लिए और ये भी सोचने के लिए कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या yes. क्योंकि एक बार ये अपने एग्जाम दे नहीं हुआ एक बार प्रीलिम्स मेंस हो गया इंटरव्यू में कॉल नहीं आई एक बार इंटरव्यू में कॉल आई फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ अगली बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ करते करते चार पाँच साल गुजर गए उसके बाद एक बहुत खतरनाक फेज आपकी लाइफ में आ सकता है जहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस तरफ जाऊँगा अब अगर तो आपने बहुत अर्ली प्रिपरेशन शुरू करी जिससे आपने प्रिपरेशन शुरू की और आप बहुत अर्ली निकल गए तो देन यू हैव अलॉट ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू

सुचित्र है जैसे मैंने बोला मेरे कज़न जो फॉरेन सर्विसेज में हैं और वो मेरे बाकी जो मेंटोर थे तो बड़े सारे लोग होते हैं जो इसमें आपको सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं नहीं हुआ देर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम वाला पर अल्टीमेटली आपको ही फ़ेस करना है इसको आपको ही देखना है और वही बता सकता है जो एक्चुअली फ़ेस कर चुका है मतलब ऑल दो आया है पर अलग एग्जाम में

ऑटोमेटिकली था कि मुझे पसंद आती थी वो पढ़ने में एंड एज़ फार सोर्सेज़ की बात है तो मैंने बालियान सर के नोट्स थे वो मैंने हैंड रिटन नोट्स थे uh, किसी टॉपर के थे मैंने वहाँ से मंगाए थे और फिर उसके बाद uh, मैंने एक टॉपर हैं विक्रम ग्रेवाल उनके 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 ब्लॉग ब्लॉग में उनके नोट्स थे तो मैंने वहाँ से वो लिए थे और लास्टली uh, एक साइट है सेल्फ डॉट कॉम तो वहाँ पे उनका मैप वर्क वगैरह जो हिस्ट्री में आता है वो सारे जो प्रीवियस ईयर के मॉडल आंसर थे वो मैंने सारे मंगा लिए तो मतलब ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी मॉडल आंसर किए और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो इवेंचुअली मतलब मेरे लिए आसान हो गया लेकिन जो मतलब स्कोरिंग फैक्टर मुझे लगा जो है वो है कि मैप अगर आप मैप में ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं अगर ट्वेंटी में से आप एटीन नाइनटीन ठीक कर रहे हैं क्योंकि मेरे ठीक थे इस बार मतलब ऑलमोस्ट एटीन मेरे ठीक थे पूरे एग्जैक्टली exactly, तो आप को काफ़ी एज मिल जाएगा उन कैंडिडेट से जो ये नहीं अच्छे से कर पाते हैं नहीं प्रिपेयर किया हुआ तो पेपर वन ऑप्शनल में ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है और बाकी ये जो मैंने बताया बालियां सर के नोट्स मेरे लिए काम किए थे विक्रम मैंने उनको एक बार पढ़ा था फिर विक्रम ग्रेवाल सर के जो उनके एकदम उन्होंने कंसाइज करके उनको बनाया था तो मैं उनको उनको बार बार रीडिंग देता रहता था और लास्टली मैंने मॉडल आंसर दे दी लिखते कैसे हैं कि कैसे लिखा जाएगा पेपर में क्या क्या चीज़ें डालनी आपको की वगैरह तो ये मेरे लिए था टाइम था जब दो ऑप्शन हुआ करते थे 2016 की बात कर रहा हूं आई ऑल्सो रोट मीन दैट टाइम एंड 600 मार्क्स का तब ऑप्शन हुआ करता था क्योंकि दो ऑप्शन थे 600 पुराना पैटर्न था सो आई रोट इन हिस्ट्री एंड उर्दू तो आई ऑल्सो टू द नोट्स ऑफ बलियान सर वो बहुत अच्छे नोट्स से बड़े इजी टू अंडरस्टैंड थे पॉइंट फॉर्मेट में थे जैसा आपको चाहिए होता है उस साल हुआ क्या कि हाईएस्ट uh, टॉपर के मार्क्स जो हिस्ट्री के थे अराउंड फोर हंड्रेड्स के आसपास थे टॉपर एंड एंथ्रोपोलॉजी में आई मार्क्स पाँच सौ पचास के आसपास थे आई स्कूट समवेर अराउंड थ्री एटी नाइन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इट्स बीन ऑलमोस्ट नाउ सेवन ईयर्स नाउ सो तो आई होप आई थिंक आई वॉज समवेयर अमंग टॉप टेन और समथिंग इन हिस्ट्री बट स्टिल आई डोंट थिंक एनी बडी फ्राम हिस्ट्री कोड क्वालिफाई एक्सेप्टीपल वो आई नो क्वालिफाई उस टाइम पर बड़ी पैरिटी प्रॉपर थी नहीं एक ऑप्शन पाँच सौ पचास ले रहा है आप एक ऑप्शन वाला बंदा अगर आपको डेढ़ सौ की लीड दे रहा है मार्क्स में तो फिर आप क्या ही कर लोगे जी एस में क्या कमाल कर लोगे आप सो so, लेकिन अब इस पर्टिकुलरली इस नोटिफिकेशन में आई हैव सीन पीपल फ्रॉम ऑल दस एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि अगर पहले सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी का सिक्का चलता था हिस्ट्री वाले आप पहले हो मतलब जितने भी मैंने टॉपर स्टॉक सीरीज की है सेंस लास्ट टू ईयर्स विद द फर्स्ट पर्सन विद द हिस्ट्री ऑप्शनल सो इट्स ए गुड थिंग दैट दे आर डूंग दिस नॉर्मलाइजेशन सॉर्ट ऑफ थिंग ये भी सुनने में आ रहा है अनऑफिशियल सोर्सेज से किस कि, uh, इस बारी हाईस्ट मार्क्स ऑफ एवरी ऑप्शन हैज बिन सेम हर हर किसी ऑप्शन के लिए एक बार सेट कर दिया गया कि हाइस्ट तो इतना ही जाएगा सबका सेम कर दिया गया है इससे ये इंश्योर हुआ कि इसी एक ऑप्शन को अनडिव एडवांटेज ना मिले जो एंथ्रोपोलॉजी को मिला करता था आई रिमेंबर इट दैट टाइम ऑल्सो वी वेंट टू द चेयरमैन दो हजार सोलह के एग्जाम में भी स्पेशली चेयरमैन से मिलने गए सर ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है एंथ्रोपोलॉजी को हमेशा सिलेक्शन होती है तो उन्हें बोला कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग थिंग देर इज नो स्केलिंग प्रोसेस देर इज नो नॉर्मलाइशन जेके पी एस सी वी हैव टू अमेंड द रूल्स टू इम्प्लीमेंट दैट तो हम नहीं कर पाएंगे हाउ एवर एपरेंटली दिस चेयरमैन हैज फाउंड अवे टू एंश्योर की पैरिटी आई हिस्ट्री ऑप्शनल आपको किसी को रिकमेंड अगर करना हो तो मतलब तो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सोच रहा है हिस्ट्री ऑप्शन लेने के लिए सो वट वुड बी यूर सजेशन टू हेम हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू गो अबाउट दिस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहूँगा अगर आपको शौक है हिस्ट्री का तभी लें अदरवाइज़ या फिर आपके बैकग्राउंड है तो तभी लें और जैस जाना तो मतलब ऐसे ही कि एक तो जेनरिक बुक्स होती हैं जैसे सतीश चंद्र विपिन चंद्र और आर एस शर्मा जैसी बुक्स और मेरे लिए तो जैसे मैंने बताया बालियान सर के नोट्स काफ़ी इफेक्टिव रहे विक्रम ग्रेवाल सर के नोट्स फिर मॉडल आंसर मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है इसके का क्या आ रहा है वहाँ फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते थे और वो उनको लिखा कैसे जाता था और उसमें भी अगर आपको एज लेना है तो जैसे मैंने कहा कि मैप वर्क मैप वर्क में अगर आप 20 से 20 में से अठारह ऑनरेस क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप काफ़ी कैंडिडेट से आगे निकल जाओगे तो वो एक चीज़ रही बाकी आपको क्या है कि अपने नोट्स बनाओ उसमें उसमें से भी कभी कभी क्या होता है टॉपर के नोट्स में से भी आपके नोट्स निकल जाते हैं बाहर इतने शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में आप निकाल लो उनको बाहर और उनको बार बार रिवाइज करो जितनी बार रिवाइज़ करना और लास्टली मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आंसर राइटिंग आप जितनी कर सकते हो वो करो जी एस में कितना ओवरलैप करता है हिस्ट्री ऑप्शन का पार्ट हाउ मच डिड इट हेल्प यू इन पेपर इट्पीपर एक्चुअली इस बार अगर आप पेपर देखोगे तो बच्चे वह कह रहे थे तो हिस्ट्री ऑफ में का तो पेपर आ गया तो इस बार काफ़ी काफ़ी ओवरलैप किया उसने हिस्ट्री में नॉर्मली अगर आप यू uh, पी में देखो तो इतना नहीं करता मतलब ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट सेंस में होता है वो तो यहाँ तो आप

Uh, जो हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ते हैं उनके लिए वो एक्स्ट्राइज होगा क्योंकि उन्होंने में है, तो वो अच्छे से लिख पाएंगे hmm. तो उनके लिए तो क्वेश्चन भी ज्यादा hmm. hmm. तो तो हर ऑप्शन का कुछ एंड कॉन्स है तो जी एस टू पूरा कवर हो जाता है हिस्ट्री आ गया तो जी एस वन में एक पोर्शन एटलीस्ट वन थर्ड कवर हो गया जोग्राफी आ गया तो जी एस वन दिस वे हिस्ट्री कैन बी ऑल्सो प्रॉब्लम सिर्फ एक थी आ, मतलब बिफोर दिस नोटिफिकेशन बिफोर दिस रिजल्ट इफ समी वुड वास्क मी कि मैं हिस्ट्री ऑप्शन ले रहा हूँ तो आई वुड हाईली से कि नहीं लेना भाई मतलब रिजल्ट नहीं आ रहे बट आई होप इस बारी और भी लोग हिस्ट्री से हों और बाकी हो, से ऑप्शन पर भी पायरिटी हो इससे एटलीस्ट ये चीज सेट हो जाएगी कि कोई भी ऑप्शन लेने ले से डरेगा नहीं अभी तक इंटरेस्ट से ज्यादा काम कर रहा था स्कोर इंटरेस्ट अगर किसी और भी था लोग कहते हैं छोड़ो यार मैं स्कोर के हिसाब से देख लेता हूँ सिलेक्शन लेनी है थोड़ा करना

और फिर उसके बाद मैंने उसी डैफ में से जो मेरा सारा था कि कहाँ से हो मदर कहाँ से वगैरह उसमें से कोई टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड पोस्टर मेरे निकल गए थे तो उन्हीं को मैं प्रिपेयर कर रहा था और साथ ही साथ मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री जितनी थी वो उसकी मैंने सारी कर ली थी मेरा इंटरव्यू फोटीन जुलाई को था तो फोटी जुलाई की डेट की इंपॉर्टेंस क्या है सारा कश्मीर की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री उससे को ये सारी चीज़ें उसके बाद मैंने अपना जैसे मेरी बैकग्राउंड थी इंजीनियरिंग की तो मैंने उसका पूरा तो नहीं कर पाता पर ऑलमोस्ट जो बेसिक बेसिक आइडिया था वो मैंने सारा ले लिया था उनसे और इंटरव्यू में भी जब मैं गया तो चेयरमैन सर ने पहले उन्होंने पूछा कि इंजीनियरिंग से वोमैन का ये सर तो देन ही सेट की कुछ आता है तो मैंने कहा सर हाँ सर आई सी इंजन आता है और क्या आता है उनका सॉम आता है तो देन ही सेठ की अच्छा बताओ क्या आता है इसमें तो मैं अभी जस्ट बोल ही रहा था तो ही सेट की ग्राफ था तो उसको ड्रॉ करके दिखाओ इसके अंदर बताओ कि इसमें क्या क्या है वो सब किया दैन दे ऊपर की साइड की नाव यू आर फ्राम हिस्ट्री तो वे विल बी आस्किंग यू ओनली फ्राम हिस्ट्री तो दैन दे स्टार्ट आस्किंग की क्या है कर, um, कश्मीर की हिस्ट्री से स्टार्ट किया उन्होंने फिर उसके बाद डायनेस्टीज पूछी कश्मीर में कितनी थी फिर मुगल्स के बारे में पानीभत की पैटर्न क्यों होती है क्या है वगैरह तो फिर उसके बाद बीच में मेरे साथ मतलब नॉर्मली मैं जब ट्रांसक्रिप्ट सही कर था तो सबके मतलब वेरिड थे कि आ, किसी से पूछा गया था कि इंटरनेशनल अफेयर्स में पूछ रहे थे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड वगैरह पर मेरा हिस्ट्री बेस ही था उसमें से थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे और एक दो क्वेश्चन थे जो मेरे हॉबी के थे कि मैंने लिखा था आई लव रीडिंग बुक्स और वहाँ से थोड़ा बहुत तो उन्होंने बोल दिया था तो बाकी मेरा ओवरऑल ट्वेंटी थर्टी मिनट चला और उसमें से उन्होंने मैक्सिमम हिस्ट्री पूछा और बीच में एक दो रैंडम सवाल था बस हिस्ट्री से पूछा अगर मैक्सिमम तो आपके तो अच्छा ही हो गया वो आपको इतना डिटेल में पता थी जी जी मतलब ऑलमोस्ट मतलब आई एबल टू आंसर प्लस ग्रेट uh, पहले भी मेरी बात हुई uh, एक और हमारे कैंडिडेट से झिशान uh, अली सर ही ऑल्सो कुड आंसर ओनली एटी एटी फाइव परसेंट क्वेश्चन एंड ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू में आपको सभी आंसर आने चाहिए तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इट्स अ टेस्ट ऑफ़ नॉलेज इट्स इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज इट्स टेस्ट ऑफ पर्सनलिटी तब इसको पर्सनलिटी टेस्ट भी कहते हैं और नॉलेज तो तोड़ेस तो आपका हो गया आपने मेंस क्वालिफ़ाई किया तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है नॉलेज आपको बहुत अच्छा ही होगा तभी आप क्वालीफाई करके आए हो इंटरव्यू स्टेज में सो so, अभी जो नए से प्रिपेयर कर रहे हैं जिनका अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम है आठ अक्टूबर को था आप तो डिले हो गया पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना पंद्रह अक्टूबर को चला गया फिर से डिले हो गया आई डोंट नो वाई शायद इसलिए कि कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर सिविल सिविल जुडिशियल सर्विसेज करके जो एग्ज़ाम है उसका शायद कुछ उसकी वजह से डिले हो रहा है वो भी उसी दिन एग्ज़ाम रखा है उन्होंने तो उन लोगों के लिए आपका क्या रहे जो लगभग हाँ दो महीने रह गए एक डेढ़ महीना तो उस टाइम फ्रेम में मेरे हिसाब से उनको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने चाहिए उसके अलावा तो इस टाइम में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कोई नई नॉलेज ऐड करने का कोई फायदा नहीं है ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं ज़्यादा मॉक टेस्ट दे और अपना टॉपिक चेक करें कौन से उनको नहीं आ रहे हैं और वो टॉपिक वापस जा रिवाइज करें और फिर वापस मॉक टेस्ट दें उससे उनका स्लोली स्कोर इंप्रूव होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इवेंचुअली वो पेपर में अच्छा कर पाएंगे और और एक बार बात की सी साइड पर डेफिनेटली ध्यान दें क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था तो उसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी लो चला गया था और इस बार भी यू का सी साइड भी काफ़ी अजीब आया था तो उस पर गौर से ध्यान दें उसको मतलब ऐसे नॉन सीरियसली ना आँखें पासिंग है तो कर लेंगे ऐसे वाला टाइप खासकर करके जिनकी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो तो स्पेशली ध्यान दें एंड वट इज़ योर मैसेज टू एनी पर्सन देखिए ये बेसिकली इट्स दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज अबाउट विल पावर पेशेंस और कोई भी और सेक्टर में परफॉर्म करने के लिए भी यही सब क्वालिटीज़ की जरूरत होती है सो वट इज़ योर मैसेज टू ऑल दोज पीपल हु आर

क्या ही बोल सकते हैं उसमें तो ये है कि आप अपना बेस्ट दो बाकी इट इज़ द विल ऑफ़ गॉड की होगा या नहीं होगा तो मैं यही कहूँगा और रही बात कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है नहीं मिल रही है एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पर उसके अलावा ऑप्शन ही है हमारे पास कि अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो वी हैव टू ट्राई एग्ज़ाम तो खुद आएगा नहीं हमारे पास कि करने के लिए कि आप आ जाओ तो हमें ट्राई करते रहना है जब तक नहीं होगा बाकी इट्स अ विल ऑफ़ गॉड की

एस एस बी तो हुआ तो तो मैं यहाँ नहीं होता so, वो आपका प्लान भी था कि एक्चुअली आपको डिफेंस में ही जाना था मेरे को एक्चुअली डिफेंस में ही जाना था स्टार्टिंग से ही था तो मैं एक्चुअली मैं आ, ये था, आ, क्या, क्या, सेम था क्या क्या सिलेबस सेम था यहाँ का तो मैं साइड बाई साइड उसको भी कर रहा था रिवाइज तो उससे क्या हो रहा था कि उस पेपर में मार्क्स अच्छे आ रहे थे क्योंकि ये यहाँ पर डेप्थ जाना पड़ता है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पर भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो